बांदा शहर में वन विभाग ने आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप चौक बांदा से कालू कुआं चौराहे तक स्कूली छात्र छात्राओं की शहर में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करने का कार्य किया। वन विभाग द्वारा निकाली गई बच्चों की रैली में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बांदा ने साथ प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद कुमार एवं सदर विधायक प्रतिनिधि रजत सेठ सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिक्षक उपस्थित रहे। वन विभाग के साथ रैली में शामिल स्कूली बच्चों द्वारा समस्त जनमानस से अधिक पौधारोपण करने का अनुरोध किया गया। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस समय जो है 1 से 7 जुलाई वन विभाग द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है जनता जनार्दन में वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया जाना, ताकि जो है जनमानस अधिक से अधिक शामिल होकर जन आंदोलन के रूप में इस वृक्षारोपण को अंजाम दिया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज 2 जुलाई को हम लोग जो है वन महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इस आज दूसरा दिन है या आज जो है हम लोग बच्चों के सहयोग से तमाम स्कूली बच्चे आए हुए हैं और DRS साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। CDO साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अभी शामिल होने वाले हैं। तो एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि जनमानस को इसके बारे में पौधरोपण के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि आगामी जो वर्षाकालीन वृक्षारोपण 2024 हम करने जा रहे हैं उसमें उनका पूरा का पूरा सहयोग मिल सके और जनपद बांदा को हम हरा भरा करने में पूरा सफल हो पाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।